हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं महाराष्ट्रन स्टाइल चटपटी और जायकेदार छिलके वाली उड़द दाल। महाराष्ट्र में इस डिश को घुट के नाम से जाना जाता है। छिलके वाली उड़द दाल डाइजेशन को बेहतर बनाती है, एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाती है और हड्डियों को भी मजबूत बनाती है, तो इसे खाने में ज़रूर शामिल करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप छिलके वाली उड़द दाल। 1 कप दाल में 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी दाल बन जाती है। दाल को साफ करके 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। अगर समय हो तो 2 घंटे भिगो कर भी रख दें, इससे दाल जल्दी पक जाती है। फिर कुकर में धुली हुई दाल डाल के 1 से 1.5 ग्लास पानी डालेंगे और आधा छोटा चम्मच नमक डाल के 4 से 5 सीटी कर लेंगे। कुकर ठंडा हो रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेंगे। लेंगे 9 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच सूखा नारियल ऐसे बारीक टुकड़ों में काट के, थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च अगर आप कम तीखी ले रहे हो तो 10 से 12 हरी मिर्च लेंगे और अगर तीखी वाली ले रहे हो तो 6 से 7 लेंगे। अब एक मिक्सर जार में लहसुन, हरी मिर्च, सूखा नारियल और हरे धनिए को 1/4 चम्मच नमक डाल के और थोड़ा पानी डाल के बारीक पीस लेंगे इस तरह। तब तक कुकर भी ठंडा हो गया है और दाल अच्छे से पक गई है। फिर दाल को छौंक लगाने के लिए एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। डालेंगे 5 से 6 छोटे चम्मच तेल। तेल गरम होने पे डालेंगे थोड़ा जीरा और हरी मिर्च का मसाला, हमने जो बारीक पीस के रखा था वो डालेंगे। अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे भूनना चालू करेंगे। फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, इससे मसाला जल्दी भुनेगा। 1 से 2 मिनट भूनेंगे, आप देखोगे कि मसाले का रंग बदल गया है और साइड से तेल छूटने लग गया है। फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छी तरीके से मिला लें। फिर थोड़ा सा मसाला निकाल के कटोरी में रख देंगे और दाल डालेंगे। अच्छे से मसाले में दाल को मिला लेंगे और चम्मच की मदद से दाल को थोड़ा महीन कर लेंगे। फिर जितनी गाढ़ी या पतली आपको चाहिए उतना पानी डाल के, हमने लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी डाला है। फिर स्वाद चखले और आपको अगर कम तीखा लगे तो जो मसाला हमने निकाल के रखा था वो डाल के अच्छी तरह मिला ले। फिर आधा छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डालें और 1 से 2 उबाल आने तक पकाएं। और लो, तैयार है स्वादिष्ट चटपटी और झटपट बनने वाली महाराष्ट्रन स्टाइल की छिलके वाली उड़द दाल। ये रोटी और चावल दोनों के साथ बढ़िया लगती है, ज्वार की भाकरी के साथ तो और स्वादिष्ट लगती है। या इसे आप थोड़ा कम तीखा बना के सूप की तरह ही पी सकते हो। तो ज़रूर बनाएं और हमें लाइक और कॉमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक यू।